गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। सो मैं ये दिस इज सेकेंड लेक्चर एक्चुअली। सो मैं इसमें इस सीरीज में क्या करने जा रहा हूँ कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं एसएससी जेई के, गेट के या फिर आईएएस के, तो बेस्ट क्वेश्चंस मैं आपको उसका सोल्यूशन या क्वेश्चन कार्ड अच्छे से दे रहा हूँ कि ये ऐसे क्वेश्चन जो है ये बेस्ट क्वेश्चंस है जो जो आपको मतलब कि एक बार रिवाइज करना काफ़ी ज़रूरी है। ऐसे अगले क्वेश्चन जो है नेक्स्ट ईयर या फिर इस साल जो भी यूपीपीएससी जेई वगैरह का पेपर होने वाला है तो उसमें ऐसे क्वेश्चन जो है वो मोस्टली पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चन जो है ये एसएससी जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, शायद 2010 या 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये कि किसी भी रेटेड स्पीड की किसी भी डीसी शंट मोटर की जो है वो इतनी दी हुई है 1050 RPM दी हुई है, तो अब मशीन को हमको इतने आरपीएम पर मूव कराना है तो हम इनमें से कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं सबसे पहले बता दूं स्पीड कंट्रोल ऑफ ए डीसी मोटर जो होता है वो तीन मेथड से होता है, आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड, फील्ड रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड और वोल्टेज कंट्रोल मेथड। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी जैसे कोई भी स्पीड कंट्रोल मेथड जो है इंडक्शन में इंडक्शन सॉरी इसमें डीसी मोटर में नहीं होता है, ये होता है हमेशा इंडक्शन मोटर में होता है, लेकिन डीसी में बस यही तीन मेथड होते हैं। ठीक है, तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है। तो देखो इसमें क्या होता है, ये सबसे पहला आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड बता रहा हूँ आपको कि देखो इसमें ये होता है कि ये हमारा आर्मेचर होता है। ठीक है, ये हमारा आर्मेचर है, ये हमारा डीसी सप्लाई जो हम यहाँ से दे रहे हैं और ये हमारा वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग। ठीक है, ये हमारा फील्ड वाइंडिंग है जो उसको फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है, ये हमारा आर्मेचर है जो कि बैक ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा जो कि बेसिकली रोटेट करेगा। अब देखो ध्यान से क्वेश्चन से समझो कि इसमें क्या कह रहा है कि देखो एक तो कुछ चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी होगी कि जो बैक ईएमएफ होता है वो प्रपोर्शनल होता है स्पीड के और एन के। ठीक, तो एन जो होता है वो किसके प्रपोर्शनल हो जाएगा, ईवी अपॉन फ्लक्स के। ठीक, और बैक ईएमएफ निकालने का जो तरीका होता है वो ये होता है, वी इज इक्वल टू वी माइनस आई ए आर ए। ठीक, अब ध्यान समझिए कि आर्मेचर सर्किट रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड में क्या होगा, ये आर ए जो होगा ये वेरिएबल क्वांटिटी होगी, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं इस तरीके से, डायवर्टर रेजिस्टेंस कह सकते हैं उसको आप, तो ये एक बेसिकली वेरिएबल क्वांटिटी होगी ना। अब इसको वैरी करने से क्या होगा, अब देखो हमको स्पीड कंट्रोल करना है तो मतलब या तो बैक ईएमएफ कंट्रोल करो या तो फ्लक्स कंट्रोल करो। ठीक है, तो अब लेकिन इस पे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि हमको स्पीड करानी तो है लेकिन क्या करना है कि एबव रेटेड स्पीड करानी है ना। तो देखो कैसे करोगे ऐसे को कि अगर तुम आर्मेचर रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मतलब क्या होता है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस वेरिएबल रेजिस्टेंस होगा। अब देखो अगर इसको अगर तुम चेंज करोगे, यहाँ पे हमारा जाएगा फील्ड करंट आई आर एस एच और यहाँ जाएगा आर्मेचर करंट आई ए। ठीक है, तो अगर तुम आर ए को वैरी करोगे, तो यहाँ से जाने वाला करंट जो होगा वो वैरी वेरिएबल हो जाएगा। अच्छा, वो वेरिएबल हो जाएगा तो हमारा बैक ईएमएफ भी जो होगा वो एक तरह से वेरिएबल क्वांटिटी हो जाएगा। तो हम क्या कर पाएंगे, हम इसको ये भी एक वेरिएबल क्वांटिटी हो जाएगा तो हम इसको भी वैरी कर सकते हैं ईबी को। तो ई बी वैरी हो जाएगा तो हमारा स्पीड भी वैरी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे फ्लक्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि आप यहाँ सब कुछ कर रहे हो तो फ्लक्स पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक, तो ईबी को वैरी करने से स्पीड वैरी हो पाएगा, लेकिन अब हमको करना क्या है इस क्वेश्चन में, हमको एवेरेटेड स्पीड लेके जानी है। तो इसलिए जो होगा ये फील्ड रेजिस्टेंस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, फील्ड रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड। आई विल टेल यू व्हाई इट इज राइट। तो देखो सबसे पहले होता क्या है कि जैसे ऐसे आई विल टेल द रीजन फॉर दिस राइट आंसर, फील्ड इफेक्ट कंट्रोल मेथड होता क्या है। देखो इसमें होता यह है कि ये हमारा आर्मेचर है, ठीक, ये हमारा शंट फील्ड रेजिस्टेंस है जो अभी भी मैं बता रहा था, ये हमारा डीसी सप्लाई है। ठीक, ये हमारा क्या है, ये आरएसएच है या फील्ड प्रोड्यूसिंग फ्लक्स प्रोड्यूसिंग कंपोनेंट है और ये हमारा आर्मेचर है। ठीक है, तो अभी भी मैं आपको बताया कि एन जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, ईवी बाई फ्लक्स के। तो भाई एक बात बताओ, एन तो सब कुछ चलो सही है लेकिन अगर तुमको एन किसके ऊपर लेके जाना है, एन 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 अगर एन को तुमको बहुत हाई लेके जाना है जैसे इस क्वेश्चन में बोला गया है कि इतना रेटेड से ऊपर ले जाना है तो एन को हाई करना है तो फ्लक्स को तुमको कम करना पड़ेगा, फ्लक्स प्रोड्यूस फ्लक्स को कम करना पड़ेगा तो ही स्पीड बढ़ेगा। तो भाई एक बात बताओ, ये है तुम्हारा फ्लक्स प्रोड्यूस कंपोनेंट। ठीक है, तो अब होगा क्या, यहाँ पर यहाँ से फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, यही आर्मेचर पे जा रहा है। ठीक है, तो अब आर एस एच को हम वैरी करेंगे, ये हम आपको बता रहे हैं फील्ड कंट्रोल मेथड, ये फील्ड रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड। तो आर एस एच को अगर तुम वैरी करोगे, या आरएसएच को सपोज देखो तुमको फ्लक्स को कम करना है, मतलब ये वाला जो करंट हमारा है ये हमारा अगर कम हो जाए तो फ्लक्स कम हो जाएगा क्योंकि ये फील्ड वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग में जो करंट जा रही है इसी की वजह से हमारा फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है। तो अगर ये वाला ये करंट कम हो जाए तो फ्लक्स भी कम हो जाएगा, तो एम जो होगा वो बढ़ जाएगा। ठीक, तो वो कम करने के लिए करना पड़ेगा ये रेजिस्टेंस को जो है, आपका इसको आपको बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा कर दोगे तो आईएसएस कम हो जाएगा तो फ्लक्स भी कम हो जाएगा तो स्पीड जो है एवरेटेड के ऊपर चला जाएगा, इसलिए जिसका आंसर होगा वो
सी होगा एबव रेटेड के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, मतलब यही ये वाला मेथड अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपका स्पीड जो है एबव रेटेड स्पीड के बच चला जाएगा। दूसरा होता है ये, तो ये बाकी जो पहला वाला था इससे जो है बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, इसमें फ्लक्स ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट था, ई भी वेरिएबल था, तो ये वेरिएबल स्पीड के लिए होगा अच्छा हो सकता है। लेकिन अगर तुमको एबव रेटेड स्पीड ले जाना है तो हमेशा आप क्या इस्तेमाल करोगे, फील्ड इस्तेमाल करोगे, फील्ड कंट्रोल मेथड या फिर रेजिस्टेंस फील्ड कंट्रोल मेथड। और तीसरा जो मेथड वो वोल्टेज कंट्रोल मेथड, वोल्टेज कंट्रोल मेथड में क्या होता है कि ये वोल्टेज वैरी कर देते हैं। अब भाई बात बताओ, अगर ये वोल्टेज तुम वैरी कर दिए, जैसे ये वाला वोल्टेज अगर तुम वैरी कर दिए, ठीक है एक सेकेंड, इस मेथड को कैसे एक्सप्लेन करोगे ये सब, अगर अगर तुम ये वाला वोल्टेज वैरी कर दोगे तो ई बी भी वैरी हो जाएगा और फ्लक्स भी वैरी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसी के वजह से ये वाला फ्लक्स प्रोड्यूसर है ना, तो ये वैरी कर दोगे तो ई बी भी वैरी हो जाएगा और फ्लक्स भी वैरी हो जाएगा, तो एन वैरी कर देगा, लेकिन ये एबव रेटेड स्पीड के लिए नहीं होगा। ठीक है, तो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी, इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक, सो नाउ आई होप इट इज क्लियर। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डायमेंशन ऑफ दिस, दिस इज ऑल्सो एस एस सी जेई क्वेश्चन, सम ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चन आई हैव पिक वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। सो द डायमेंशन ऑफ क्यूबल मेटल स्ट्रिप आर दिस, दिस आर द डायमेंशंस गिवन। तो रेशियो निकालना है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, रेशियो निकालना है किस पेज में, बिटवीन रिस्पेक्टिव ऑफ देयर अपोजिट फेसेस। ठीक है, तो हमने ये यहाँ पे एक क्वाड बनाया है। ठीक, अब ध्यान समझना क्वेश्चन को, इसमें क्वेश्चन क्या दिया है, रिस्पेक्टिव पेयर ऑफ अपोजिट फेसेस। अपोजिट फेसेस मतलब ये हुआ कि भाई अगर ये तुम्हारा डब्बा है, ये अगर तुम्हारा डब्बा है तो अपोजिट मतलब इसके और इसके बीच, इसके और इसके बीच का रिस्टेंस तुमसे पूछा जा रहा है ना, ये डब्बा है तो इसके और इसके बीच का रेशियो पूछा जा रहा है, इसका रेशियो तुमको निकालना है बेसिकली। ठीक, तो ये डब्बा हमने बना दिया, इसकी लेंथ देखो जो भी दी हुई थी, ये लेंथ विथ हाइट जो दी होगा, ये लेंथ माना हमने, विथ जो दी हुई थी वो 15 माना और ये 10 माना हाइट। ठीक है, तो अब देखो रेशियो कैसे निकालोगे, देखो रेशियो जो होता है आर रो एल बाई ए के बराबर होता है, तो रो तो भाई देखो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, तो ये सबके लिए सेम होगा। ठीक है, ये विल बी कॉन्स्टेंट फॉर एवरीबॉडी। अब देखो आर वन निकालने के लिए इसके और इसके बीच में देखो ये हमारा सरफेस वन है, इसके नीचे एक सरफेस ये वन डैश, इसके अपोजिट वाला, तो इसका जो देखो रो एल, मैं ये वो एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो अब यहाँ पे तुम कैसे समझोगे कि कहाँ पे लेंथ रखना है, कहाँ पे एरिया रखना है, तो देखो इसको भाई ऐसे करना है कि ये वन है और वन डैश इसके अपोजिट वाला, तो इसका अगर तुम लेंथ समझोगे, लेंथ क्या 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 लिखोगे आप, ये लेंथ जो है वो हमेशा क्या होगा, 10 होगा, क्योंकि ऊपर वाला ये आप आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ये 10 जो है जो ऊपर वाला और बीच वाला के बीच का डिस्टेंस है, तो ये लेंथ तुम्हारा हो जाएगा। ठीक, अच्छा इसका एरिया क्या लिखोगे, एरिया जो तुम लिखोगे ये वाले, इसका एरिया देखो ये पूरा इस सरफेस का एरिया की बात हो रही है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है यहाँ पर, तो लेंथ इंटू ब्रेथ तो 5 × 15 हो जाएगा। ठीक, ये इसकी बात हो रही है, और इसका जो तुम लेंथ मान रहे हो क्या मान रहे हो, ये मतलब कि अपोजिट फेसेस लिखा होता है, अपोजिट फेसेस का मतलब ये वाली लेंथ, इसके इसके बीच का जो रेस्टेंस होगा वो एल एल, इसके यहाँ पर 10 रखा गया। ठीक, अच्छा अब इसको आर वन बोला गया, अब आर टू का अगर तुम बोलोगे, अच्छा देखो आर टू अगर तुम बोलोगे मतलब ये हमारा टू सरफेस हो गया, ये हमारा टू डैश हो गया। ठीक है, तो इसके इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा, जो लेंथ जो तुम कहोगे वो क्या कहोगे, 15 कहोगे, ये देखो टू और टू डैश, तो इसके जो लेंथ तुम्हें क्या दिख रहा है, 15, तो यहाँ पर जो है वो 15 लिखा हुआ है, ये 15 सेंटीमीटर, 15 जो भी 15 मतलब होगा जो भी सेंटीमीटर दिया हुआ शायद, हाँ सेंटीमीटर। ठीक, अच्छा इसका एरिया कैसे लिखोगे भाई, इसका एरिया लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, ये गिवन वो है, ठीक, तो लेंथ सॉरी ये गिवन एरिया है हमारा, ये गिवन इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कैसे लिखोगे, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 10 × 10 × 10 × 5, 10 × 5 क्यों किया गया, क्योंकि इसका इसका क्रॉस सेक्शन एरिया देखना है, तो इसका लेंथ इसका ब्रेथ 10 × 5। ठीक, ये आई होप दिस क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब ये अब तीसरा रेजिस्टेंस R3, R3 ये है देखो ना, R3 सरफेस ये है। ठीक, इसका R3 उधर जाओगे तो डिस्टेंस क्या लिखोगे, डिस्टेंस का लिखोगे वो 5 लिखोगे, आई विश इसको समझ में आ रहा होगा, ये 3 है तो ऊपर अंदर वाला T डैश होगा, तो इसका लेंथ ये मेजर कहलाएगा और इसका एरिया जो कहलाएगा वो ये 15 और फिर ये 10, 10 × 15। ठीक, सो इस तरह इसका मतलब जो भी यहाँ पे हम लिखते हैं वो हमेशा क्रॉस सेक्शन एरिया लिखे मतलब लिखते हैं, और यहाँ पे अपोजिट फेजेस का पूछ रहा है तो इस तरह से लिखेंगे आप सिंपल, उसके बाद रेशियो यहाँ पे लिख देंगे आर वन आर टू, इसका रेशियो यहाँ तक लिख देंगे, रो कॉन्स्टेंट होगा, तो आप देखो इसका रेशियो कैसे निकालना रहेगा कि बेस को कॉन्स्टेंट करो, यहाँ पे कुछ लोग करके यहाँ पे आके फंस जाते हैं, सबसे पहले क्या करो इसके बेस को कॉन्स्टेंट कर दो, बेस को कॉन्स्टेंट करने के लिए क्या करो, इसको बेस को कॉन्स्टेंट देखो कैसे किया गया है, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया है, 150 यहाँ पर लाया गया, 150 यहाँ भी लाया गया, 150 यहाँ भी आ गया। ठीक है, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई किया, तो 150 बेस आ गया, 150 बेस आ गया, तो अब सिंपल जो है रेशियो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, तो 4:9:1 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, किसी भी ऑप्शन में जो दिया होगा ये इसी सी ऑप्शन में दिया हुआ है, सो दैट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, कोई ऑर्डर तो दिया नहीं था इसमें ऐसा, तो रेशियो जो होगा वो 194 इस तरह से लिखा जा सकता है। ठीक, सो बी इज द सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, इस तरह से करेंगे, आई होप इट इज क्लियर,
अपोजिट फेसेस बोला ना, अपोजिट फेसेस बोला है, तो लेंथ कैसे मेजर किया जा रहा है कि ये हमारा सरफेस हो गया, ये हमारा ऊपर सरफेस हो गया, ये हमारा नीचे सरफेस हो गया, तो जो इसकी लेंथ होगी, लेंथ लेंथ जो लिखोगे लिखोगे इसके बीच में जो लेंथ लिखोगे ये 10 लिखोगे, 10 10, क्योंकि इसके बीच का डिस्टेंस जो है वो यही, और क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब ये क्रॉस सेक्शन एरिया 5 × 5 × 15, दिस इज विल बी कॉल्ड एज अ, ये वाला एरिया जो कहलाएगा वो 1 का क्रॉस सेक्शन एरिया कहलाएगा, इसलिए 5 × 10 5 × 15 लेंगे, ठीक है। सो आई विश इट इज क्लियर, सो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 13। देखो 13 क्वेश्चन क्या है कि कौन सा मोटर जो है क्रेन या होस्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है सीरीज मोटर। आई विल एक्सप्लेन द रीजन कि देखो सीरीज मोटर में क्या होता है कि टॉर्क प्रोपोर्शनल होता है फ्लक्स और आईए के, ठीक। तो अब इसमें होता क्या है कि भाई सीरीज मोटर में ये सीरीज वाइंडिंग हो गई, ठीक, और ये हमारा आर्मेचर हो गया और ये हमारा सप्लाई हो गया, ये सीरीज वाइंडिंग, ठीक। देखो जैसे जैसे क्या होगा, जैसे जैसे हमको उसकी जरूरत क्या पड़ती है, क्रेन क्या करता है कोई भी भारी चीज को उठाता है, तो भारी चीज तो पकड़ लिए ना, अब क्या करेगा, अब उसको उठा नहीं पा रहा है, उठा नहीं पा रहा है तो क्या करेगा, एक करेंट, जैसे लेकिन डीसी मोटर में क्या होता है, यही जो आर्मेचर करंट यहाँ फ्लो हो रहा है आइए, यही क्या होता है, यही फ्लक्स प्रोड्यूसिंग कंपोनेंट होता है, तो डीसी मोटर विल बी लाइक टॉर्क विल बी प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। आई स्क्वायर क्यों, क्योंकि जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है वो भी किसके वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, आर्मेचर करंट आईए की वजह से ही प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि इसके सीरीज में वाइंडिंग लगी हुई है, सीरीज मोटर ना। तो अब देखो क्या होगा कि जैसे जैसे लोड, जैसे कि ये पकड़ लिया, अब जैसे जैसे ये लोड बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे ये और करंट मांगता चला जाएगा कि भाई और करंट दो, ये लोड उठा नहीं पा रहे, और करंट दो, ये लोड उठा नहीं पा रहे, तो अब जैसे जैसे ये करंट बढ़ता चला जाएगा तो टॉर्क भी बढ़ता चला जाएगा, वो भी किसका, कितना, स्क्वायर टाइम्स बढ़ता जाएगा, बाकी टाइम बाकी बाकी मोटर्स के टॉर्क प्रोपोर्शनल सिंपल आई ये होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि भाई जैसे जैसे करंट बढ़ता चला जाएगा टॉर्क और ज्यादा, मतलब उसके स्क्वायर टाइम्स बढ़ता चला जाएगा, तो वो जो है कोई भी अगर भारी सामान उठा रहा है तो आराम से जो है उठा लेगा, इसलिए जो है डीसी सीरीज मोटर का इस्तेमाल करते हैं किसमें, क्रेन्स वगैरह में, क्योंकि टॉर्क प्रोपोर्शनल होता है यहाँ पर आई स्क्वायर के, क्यों आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि जो इसमें फील्ड वाइंडिंग होती है वो सीरीज में लगी होती है, जिसमें आर्मेचर करंट डायरेक्ट बढ़ा जाता है, जो सीरीज में लगी होती है तो जो है सिंपल टॉर्क फ्लक्स प्रोड्यूसिंग कंपोनेंट जो होगा वो आर्मेचर करंट खुद आई हो जाएगा, तो टॉर्क जो होगा आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, इसलिए जो है अच्छा अच्छा खासा टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक। आई होप इट इज क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, या वेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू कंडक्टर इट्स टेम्परेचर राइजेस, बिकॉज टेम्परेचर राइज का इसका जो वजह होता है वो ये होता है कि ये सी इज द राइट आंसर, कोलिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड एटम्स, एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कोलिजन होता है, इससे आमतौर पर बच्चों को डाउट होता है कि इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, नहीं ऐसा कुछ नहीं, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कोलिजन नहीं होता है, जो टेम्परेचर राइज होता है इसका जो वजह होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स के बीच में जो है वो कोलिजन होता है, ठीक है, हीटिंग हीटिंग वगैरह जो प्रोड्यूस होती है ये इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स, इसलिए जो ये मतलब कि एक जैसे सबसे पहला बच्चे ये वन मान देते थे, इसका वन आंसर नहीं है, इसका राइट आंसर जो है वो इलेक्ट्रॉन और एटम्स है, ठीक है। सो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, आई होप इट इज क्लियर। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 15। 15 में क्या होता है कि इन आरएलसी सर्किट द करंट इज एट रेजोनेंस, करंट एट रेजोनेंस इज, तो कोई यहाँ पर आरएलसी सर्किट बोल रहा है तो आपने दोनों मतलब इसमें ये बताना है कि करंट एट रेजोनेंस जो होगा वो सीरीज में क्या होता है और पैरेलल में क्या होता है, तो जब भी आप याद रखें जब भी आरएलसी सर्किट रेजोनेंस में कह रहा है, रेजोनेंस का मतलब कह रहा है वीएल इक्वल टू वीसी हो गया, वोल्टेज अक्रॉस आरसी, वोल्टेज अक्रॉस एल इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस सी हो गया, सी हो गया, तो करंट जो होगा वो मैक्सिमम ही होगा किस दोनों सर्किट में, नो मैटर वो कौन सा सर्किट है, अगर रेजिस्टेंस पे है सर्किट, सर्किट रेजिस्टेंस में है तो करंट हमेशा जो होगा वो मैक्सिमम होगा, और जो कि रेजिस्टेंस के रेजिस्टेंस से पास करेगा, ठीक है। सो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, फॉर अ पैरेलल मैं बताऊँ, ये पैरेलल केस में ये रेजिस्टेंस से पास करेगा, बाकी वो एक दूसरे को जो है वो कवर कर लेगा, वीएल इक्वल टू वीसी होता है मतलब एनर्जी क्रॉस अक्रॉस इंडक्टर विल बी इक्वल टू एनर्जी क्रॉस कैपेसिटर, तो वो अपनी एनर्जी एक्सचेंज करेंगे, लेकिन जो पूरी करंट होगी पैरेलल केस में वो पूरा पूरा रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टेंस हो जाएगा, सो करंट एट रेजिस्टेंस इज मैक्सिमम इन बोथ द सर्किट, नो मैटर वो पैरेलल है या सीरीज है दोनों में ही मैक्सिमम होता है, ठीक है। सो इसको सीरीज में मैक्सिमम होता है ये तो सबको पता है, लेकिन पैरेलल में भी मैक्सिमम होता है ये आपको अच्छे से जानने की जरूरत है, मैक्सिमम इन बोथ द कंडीशन। सो अदर्स क्वेश्चन आई विल एक्सप्लेन इन माई न्यू न्यू वीडियो, सो प्लीज ये क्वेश्चन है जो कि आई होप ये क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ठीक है, इसमें एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखो इसमें क्या है कि ये पावर सिस्टम प्रोटेक्शन का क्वेश्चन है कि इफ द फॉल्ट करंट इज इतना एंड रिले सेटिंग इज एट 50% एंड सी टू रेशियो इज इतना, देन प्लग सेटिंग मल्टीप्लाई रेज, तो देखो इसमें ये दो फॉर्मुला आपको एकदम आंख बंद करके रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मुला है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, गेट वगैरह में बहुत पूछा जाता है कि रिले पिकअप करंट जो होती है वो परसेंटेज ऑफ पीएसबी सेटिंग इंटू सीटी सेकेंडरी करंट होती है, ठीक है, तो प्लग सेटिंग मल्टीप्लाई पीएसएम जो होता है वो फॉल्ट करंट इंटू आईपी के मतलब ये रिले पिकअप करंट इंटू सीटी रेशियो के बराबर होता है, सीटी रेशियो क्या है, सीटी रेशियो जो दिया 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 है ये 400/5, ये होगा हमारा सीटी रेशियो विल बी इक्वल टू 80, ठीक है, 80 के बराबर।
अब ध्यान समझना कि प्लग सेटिंग मल्टीप्लाई पूछ रहा है तुमसे, तो तुमको क्या निकालना पड़ेगा, आईपी के निकालना पड़ेगा। आईपी का क्या होता है, परसेंटेज ऑफ पीएसबी सेटिंग 50/100 इंटू सिटी सेकेंडरी करंट। सिटी सेकेंडरी करंट कितना है, ये प्राइमरी करंट है और ये सेकेंडरी करंट है, तो सेकेंडरी करंट 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ तो 2.5 आ जाएगा। ठीक, तो पीएसएम विल बी गिवन एज प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर विल बी गिवन एज आईएफ। आईएफ नथिंग बस फॉल्ट करंट इंटू आईपी के 2.5 इंटू सिटी रेशियो। सिटी रेशियो क्या हो जाएगा, 455 इक्वल टू 80, जो कि 80 लिखा हुआ है। ठीक है, तो 10 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मुला जो है आपको एकदम अच्छी तरीके से याद रखने लेंगे, तो डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसमें। तो ये आप याद रखना, पीएसबी सीटिंग अगर परसेंटेज में दिया है तो तुम यहाँ क्या लिखोगे, 50/100 करके लिखोगे। ये एग्जाम में जनरली बच्चों को डाउट आता है, 50/100 करोगे, ऐसा नहीं कि 50% दिया है तो 0.5 करके, नहीं गलत हो जाएगा, 50/100। ठीक है, सो आई होप इट इज क्लियर। सो दिस इज द ए इज द राइट 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 आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, सो अदर क्वेश्चंस आई विल एक्सप्लेन इन माय नेक्स्ट वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसएससी जेईई या आईएएस के, जो भी मतलब कि जो बच्चे कॉमन कॉमन मिस्टेक करते हैं या कुछ क्वेश्चन को जो है समझ में नहीं आ पाता है, तो उसको मैं कोशिश करूंगा कि सारे कवर करूँ। ठीक है, सो थैंक यू फॉर दिस, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल।